में आपको इसके पीछे बहुत सारे रेलवे टिकट घर थे, आपको जनरल टिकट मिल जाएगा। जिस ट्रेन से जर्नी करने वाला है, बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी, ट्रेन नंबर 15272 मुजफ्फरपुर हावड़ा जनसाधारण एक्सप्रेस, जो शाम को मुजफ्फरपुर से 3:15 पर खुलती है और हावड़ा पहुंचाती है कल सुबह 3:10, यानी कह सकते हैं 551 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 11:55, यानी 12 घंटे। तो हेलो फ्रेंड, मैं रिशी एंड वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग एंड वन मोर घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। बहुत सारा फरमाइश आ रहा था भैया कभी जनरल कोच में जर्नी करो, तो मैं बता दूँ जर्नी कर चुका हूँ जनरल कोच में। चलिए फिर से एक जर्नी करते हैं जनरल कोच, और ट्रेन है हमारी जनसाधारण। आप देख सकते हैं ये ठीक, मैंने आप यहाँ देख रहे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और इसके ठीक अपोजिट में लोग सोचते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जो 2 नहीं 3 है, ठीक 1 के अपोजिट में 3 है, और 2 शायद इसी प्लेटफॉर्म 1 नंबर के आगे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग हो रहा है, वहाँ से 2 नंबर प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है। सीट के लिए देखिए चलती ट्रेन पे लोग गेट पे लटक गए हैं, देख सकते हो। मुझे तो कम चांस है सीट मिलना, सोचते हैं कैसी होती है जर्नी, मुझे नहीं लगता मुझे सीट मिलेगा। आगे चलते हैं, चलिए पानी की बोतल ले लेते हैं क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। एक पानी की बोतल दे दो, पिन दे दियो। ओके कितना हो गया, 30। और ट्रेन हमारी स्वीट सिटी यानी मुजफ्फरपुर जंक्शन से निकल चुकी, रवाना हो चुकी, चार पे आ रही है यात्रीगण, कृपया ध्यान दें 15,000 का जहाँ तक टाइमिंग और फेयर की बात है, ये हफ्ते में मात्र एक दिन चलती है मंगलवार को यानी ट्यूजडे को, और ये मुजफ्फरपुर से पूरा के बीच में इसका फेयर है 170। अगर हाई की जर्नी होने वाली है आसनसोल तक, फुल टाइम ही खुल गई गाड़ी, राइट टाइम 3:15 पे मुजफ्फरपुर स्टेशन से खुली है। आप फर्स्ट टाइम इससे जर्नी कर रहे हैं, पहले भी किए हैं जर्नी इससे? पहले भी किए हैं जर्नी, रेक सब नहीं था पुराना, और पुराने वाले रेक में LHB वाले में पहली बार है। अच्छा दे दिया है लेकिन लोग इसको मेंटेनेंस नहीं, अभी मैं गया था वहाँ टॉयलेट में गया था। अच्छा वो सीट वगैरह तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पूरा नीचे पानी है, और वो पान वान का भी सब गुटका उटका सब खा, वो सब पान मसाला खा के बाहर कमोड़ में डाल देता है। LHB का एक पे नहीं हुआ है, अभी यह हाल हो गया, साल आते आते क्या हो जाएगा पता नहीं। जो भाई पहली बार चैनल पे सामने डट के सब्सक्राइब बटन आ रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन भी आ रहा है, उसे भी दबा लीजिए, उससे क्या होगा फ्यूचर में जो भी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स या सेकंड हैंड कार सेकंड हैंड बाइक का वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप चाहे तो सामने इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी स्टोरी लाते रहता हूँ। आप चलिए देखते हैं कैसी रहती है जर्नी।
सकते हैं भीड़ कितनी है पड़ने वाली इस ट्रेन में। और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है समस्तीपुर जंक्शन। 4:20 कह सकते राइट टाइम पहुंचे समस्तीपुर जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है SPJ। यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, 138 ट्रेनों का हॉल्ट है, 22 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, 22 टर्मिनेट। मणिपुर टेम्पल खाटू श्याम मंदिर यहाँ का कह सकते हैं दूर दूर से हिंदू श्रद्धालु लोग दर्शन करने आते हैं। समस्तीपुर जंक्शन वेल कनेक्टेड टू मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। आपको कहने का मतलब है आपको यहाँ से दिल्ली, आपको यहाँ से दिल्ली की ट्रेनें, मुंबई की ट्रेनें, हावड़ा की, इवन तो बेंगलोर की ट्रेनें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जब मिथिला लेट है इसलिए इसमें ज़्यादा भीड़ हो गई है। अमूमन इस ट्रेन में इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी आज आप देख रहे हो। खच्चम खच भरी हुई है। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है बरौनी जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है BJU और यहाँ पे इसका टाइमिंग है 5:40 कह सकते हैं 5 मिनट बिफोर पहुंची है बरौनी जंक्शन। यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स है, 160 ट्रेन का हॉल्ट है, 17 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 17 टर्मिनेट। कह सकते हैं बरौनी इंडस्ट्रियल टाउन जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए मैं आपको इसका लोकोमोटिव दिखाता हूँ। हावड़ा का वेब 4 लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन चलती है। खाना खाना होगा, खाना 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 जी। लोग पहुंच चुके झाझा जिसका स्टेशन कोड है JAJ। टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 116 ट्रेनों का हॉल्ट है, 4 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 4 टर्मिनेट। तो ये झाझा पड़ता है जमुई डिस्ट्रिक्ट में जो बिहार में पड़ता है। जो चिकन बिरयानी खाना बोलिए। बिहार से या यूपी से निकले और बेसिन साफ रहे तो ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारे पान के शौकीन लोग खाइए, पान खाने के लिए मना नहीं किया गया, गुटखा खाइए पान खाइए, लेकिन इस तरह से जो आप जाम कर लेते हैं खा खा के थूक देते हैं। ये देखिए ये अभी बस अभी 3 घंटे की जर्नी है और इस कोच का ये हाल हो गया। बताइए जब 24 घंटे की जर्नी होगा इस ट्रेन का क्या हाल होगा? क्या गलत बोल रहे हैं भैया? हाँ ये गलती है ना, बताइए हम ही लोग में से कोई किया होगा, है ना? गलती तो है, हर कोई चाहता है साफ सुथरा, तो हम लोग भी चाहिए ना कि साफ सुथरा रखे ट्रेन को। ये हाल है ट्रेन का। बहुत कुछ बदल गया, आप सामने देख रहे हैं, एक झील टाइप का बना दिया। नहीं आवे, आवे। कह सकते हैं एक छोटा सा तालाब है और चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और हम लोग पहुंच चुके जस्सी डिश जंक्शन। कह सकते हैं ये देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसका स्टेशन कोड है JSME। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 126 ट्रेनों का हॉल्ट है, 22 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 22 टर्मिनेट। ब्लॉगिंग देवघर बाबा नगरी, ठीक कह सकते हैं यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। सभी लोग ट्रेन से आते हैं देवघर, वो जस्सीडीह स्टेशन पे उतरते हैं क्योंकि यहाँ से सबसे नज़दीक पड़ता है देवघर। और आपको यहाँ से अधिकतर ट्रेनें दिल्ली और हावड़ा की मिलेंगी। ठीक देवघर स्टेशन के सामने देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा झील है और चारों तरफ लाइटिंग आप देख सकते हैं और चारों तरफ नारियल के पेड़ कोकोनट ट्रीज लगाए गए हैं। चलिए
हमारी पहुंच चुकी है मधुपुर जंक्शन, स्टेशन कोड MBP। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, तो 27 ट्रेनों का हॉल्ट है, 7 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है और 6 टर्मिनेट। मधुपुर सिटी को प्रेफर किया जाता है हेल्थ रिसोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ का जो पानी होता है बहुत, कह सकते हैं बहुत ही पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है यहाँ का जो पानी होता है। 9:41 का यहाँ पर टाइम था, राइट टाइम पहुँचे यहाँ पे। आ जा भैया, आ जा, कहाँ रह गया था? हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस ठीक बगल प्लेटफॉर्म से निकल रही है, सामने वाले प्लेटफॉर्म से, और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है चितरंजन, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, स्टेशन कोड CRJ। प्लेटफॉर्म पर उतर नहीं पाऊंगा क्योंकि इतनी भीड़ है गेट के पास। और यहाँ पे कैद बता दूँ, टोटल 3 प्लेटफॉर्म है स्टेशन पे, 104 ट्रेनों का हॉल्ट है। ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट।23:23, 11:15 पे इसका राइट टाइम था, कह सकते 5 मिनट लेट आई आसनसोल स्टेशन पे। और बाकी जहाँ तक ट्रेन की बात है, ट्रेन की अच्छी रफ्तार है, हर स्टेशन पे टाइम से पहुँची है, बट कुछ कमी हम लोग में है। 1 महीना भी नहीं हुआ इस ट्रेन को LHB कोच के साथ, लेकिन 1 महीने में ट्रेन में जर्नी करने वाले हम जैसे ही कुछ लोग इस ट्रेन का माँ बहन एक कर दिए। आपने देखा ही होगा गंदगी कचरा कर दिया ट्रेन का। स्टेशन से बाहर निकलेंगे, निकल सकते एग्जिट है, होटल आसनसोल स्टेशन के थोड़ा सा कह सकते हो वॉकिंग डिस्टेंस है, 1/2 किलोमीटर दूरी पे हॉटन रोड है, वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, वहीं पे मैंने होटल बुक किया है। आसनसोल स्टेशन, फिर मिलेंगे किसी नई जर्नी पे, तब तक के लिए बाय, अलविदा and take care.